क्या इंडिया गठबंधन ने ढूंढ लिया मायावती का कार्ड? क्या चंद्रशेखर की पार्टी इंडिया का बनेगी हिस्सा? क्या गठबंधन में जयंत का गेम बिगड़ सकता है? ২০২৪ में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर से पूरा विपक्ष दिल्ली में एकजुट हुआ। 28 विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने बैठकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। इस बीच देश की सियासत से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसने ये साफ कर दिया है कि मायावती के अलावा भी इंडिया गठबंधन के पास दूसरा विकल्प है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन दलित वर्ग का वोट हासिल कर सकता है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के कुछ घंटों बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। चंद्रशेखर ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मुलाकात में देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई और पवार साहब से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी में दलितों को अपने पाले में लाने के लिए इंडिया अलायंस चंद्रशेखर पर दांव खेल सकता है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य में मायावती के बाद अगर किसी नेता की दलितों पर पकड़ है तो वो है चंद्रशेखर, और अगर चंद्रशेखर की पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाती है तो मायावती का पत्ता पूरी तरह से कट हो जाएगा। साथ ही साथ रालोद मुखिया जयंत चौधरी का भी इंडिया गठबंधन में खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि सूत्रों से खबर है कि चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में गठबंधन से 2 सीटें मांग सकते हैं और इसी क्षेत्र पर आरएलडी का ज्यादा फोकस रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यूपी में हाथ वाली पार्टी को हाथी का साथ क्यों नहीं चाहिए।